पिज्जा हमारा बन गया है, इसको गरम गरम, वाह क्या ही मस्त लग रहा देख के। ये देखिए दोस्तों हमारा मस्त पिज्जा, देखिए हमने अच्छे तरीके से लगा लिया है। और ये देखिए दोस्तों बढ़िया उसको निकाल लिया है, थाली अलग कर दिया है ना। हाँ। और इसको बढ़िया चला लेते हैं अच्छे से। और ये जैसे पिज्जा ब्रेड, ये देखिए पिज्जा ब्रेड भी ले गया है। ये दोस्तों हमारा बढ़िया ओवन निकल आया है बेहतरीन तरीके से निकाल के, थोड़ा गंदा है इसको पोंछ दो थोड़ा सा, इसमें बढ़िया बटर भी पीस देंगे, बटर भी पीस के डालेंगे ना, क्या ही जबरदस्त तरीके से बटर भी आ रहा है, कट भी करके डाल सकते हैं। ये देखिए दोस्तों बढ़िया तरीके से आ गया, इसमें ये डाल दिया ओवन में हमने अच्छे से। ये देखिए दोस्तों बढ़िया ये पिज्जा खा रही है दोनों लोग। बताओ टेस्ट, बिल्लू बताओ टेस्ट कैसा बना है, अच्छा है। हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग, आशा करते हैं अच्छे होंगे, हम भी बहुत अच्छे हैं दोस्तों। और अभी शाम के बज रहे हैं 7 और आप सभी को हमारी ओर से प्यार भरा गुड इवनिंग। और दोस्तों आज का दिन बहुत ही मस्त होने वाला है, और क्या बोलते थे जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि आज हम बनाने वाले हैं घर में बिल्कुल अपने हाथों से होममेड पिज्ज़ा, जो बिल्कुल बिल्कुल देसी स्टाइल में बनाएंगे हम लोग, पहली बार बनाएंगे हम लोग दोस्तों। तो चलिए दोस्तों दिखाते हैं हम क्या क्या सामान लेके आए हैं और कैसे हम लोग बनाएंगे, पूरी मेकिंग आपको दिखाएंगे। ब्लॉग में बने रहिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाला है। तारा जी भी वहीं पर है, पूरी तैयारी कर रही हैं और सब हमारे पास है, बस हम घर में बनाएंगे, बाहर से अच्छा ही रहेगा। तो चलिए दोस्तों दिखाते हैं आपको हम कैसे बनाते हैं अपने घर का पिज्ज़ा। सो दोस्तों बढ़िया आ गए हैं किचन में, देखिए तारा जी भी तैनात हो गई पहले से। आज क्या बनने वाला है बताओ? पिज्ज़ा। आज पिज्जा बनेगा, पहली बार हम लोग आज पिज्जा बनाने वाले हैं दोस्तों घर में अपने। ये देखिए हमने पूरे सब्जी काट ली, इस समय शिमला मिर्च और प्याज बहुत ज्यादा कट नहीं रही अपने घर में। ये देखिए पहले की तरह हमारा शिमला मिर्च आ गया है, और ये इसमें थोड़ा सा गाजर हमने ऐड कर लिया है। अब प्याज ऐसे कटेंगे क्या? हाँ, लंबे 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 लंबे। और पनीर भी थोड़ा सा बनाएंगे, पनीर वाला पिज्जा भी बनाना है। और ये सेजवान चटनी लाया था मैं खरीद के, अब चिंग्स की चाहे जितने की भी हो। और एक ये लाया था, ये क्या है, ये टॉपिंग है, हाँ पिज्जा का टॉपिंग वगैरह है। ये सब लेके आया, देखिए अब ये कढ़ाई चढ़ी है, गैस हमारा ऑन है, और तेल डाल दिया लगता है। और ये यहाँ पर पत्ता गोभी भी हम इसमें डालेंगे दोस्तों। ये देखिए, हाँ बताइए अब क्या करेंगे? अब इन्हें हम सारी सब्जियों का हल्का बॉईल कर लेंगे कि फ्राई हो जाएंगी, तो फिर पिज्जा में ना सॉफ्टनेस रहेगी। तो ये वाली सब्जियों को सब फ्राई कर लेंगे दोस्तों। ये पत्ता गोभी रखा हुआ है यहाँ पर, और आज मस्त बेहतरीन तरीके से फ्राई करके पिज्जा, खूब सारा पिज्जा बनाएंगे। अब पिज्जा वाली रोटी नहीं बनी है, वो कहाँ है? पिज्जा वाली रोटी भी है हमारे पास, पिज्जा वाली रोटी भी हम लोग लाए हैं, वो भी हम दिखाएंगे आपको। ये देखिए जैसे पिज्जा ब्रेड, ये देखिए पिज्जा ब्रेड भी लेके आए हैं, एक पैकिंग में दो है, ये दो है, ये मार्केट में मिलती है। तो यही दोस्तों ला सकते हैं आप अपने घर पे, आप भी बना सकते हैं। आप इस वीडियो के माध्यम से आप भी सीख जाएंगे कि कैसे हम लोग घर में बढ़िया होममेड पिज्ज़ा बनाएंगे। तो ये भी आप देखते रहिएगा, वीडियो में बने रहिएगा, आपको और दिखाते हैं कैसे कैसे बनाएंगे। तो चलिए सब्जी को फ्राई करने का सिलसिला चालू कर दें। तो सबसे पहले क्या डालेंगे? कढ़ाई में हमने थोड़ा सा तेल डाल लिया है, वो गर्म हो गई है, अभी हम प्याज डाल देते हैं। प्याज बहुत ज़्यादा गर्म हो गया, तेल गर्म है ना बहुत ज़्यादा। ये देखिए दोस्तों तेल हमारा बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है, अब आज मस्त पिज्ज़ा खाएंगे है ना बिल्लू? हाँ। पिज्ज़ा खाओगी? हाँ। कितने सारे पिज्ज़ा खाओगी तुम? बहुत सारा खाओगी, ठीक है, ज़्यादा से पिज्ज़ा खाना, ठीक है। अब फिर परसों से स्कूल जाना है, कल संडे है ना। तो चलिए दोस्तों बढ़िया इसको प्याज को हम लोग फ्राई कर लेते हैं। अब तेल बहुत ज़्यादा गर्म है तो जल्दी फ्राई हो जाएगा वैसे, है ना। और क्या, ज्यादा नहीं, 50% पकाना है। तो ज्यादा नहीं पकाएंगे नहीं, और अवन में भी पक जाएगा ना। अवन वगैरह हमारे पास सब है दोस्तों, अवन वगैरह हमारे पास सब है, अवन में ही हम लोग बिल्कुल बेक करेंगे उसको, पकाएंगे। आधा अभी यहाँ पक जाएगा, बाकी जब अवन में डाल देंगे तो उसमें भी पक जाएगा। तो आप लोग देखते रहिएगा, वीडियो में बने रहिएगा। तो प्याज हमारा देखिए लगभग पक ही रहा धीरे धीरे। अब देखिए इसमें धीरे से शिमला मिर्च भी आ रहा है, क्या ही मस्त लग रहा है, बिल्कुल ग्रीन। गाजर भी डाल दिया एक साथ तीनों डाल दिया हमने। आज पहली बार हम लोग बिल्कुल बना रहे हैं घर में, बिल्कुल होममेड तरीके से देसी स्टाइल में अपना पिज्जा। आइए पूछ के सब्जी तैयार कर रहे हैं, रेडी कर रहे हैं, मजा आएगा आज, बिल्कुल टेस्टी खाएंगे भाई। बाजार से लाते हैं तो बाजार से लाने में ये रहता है कि वहाँ केवल एक जितना ब्रेड दिखाया था आपको गोल वाली। हाँ। वो आपको मिलेगी वहाँ 200-300 की मिलेगी, बहुत महंगी रहती है, बहुत ज्यादा हैवी रेट रहता है। और हमारे पास जो मिलेगा, हम लोग जो घर में बनाएंगे तो घर में
इतने ही रेट में 100-200 रुपए में ही पूरा कम से कम 6 से 7 पिज्जा आ जाएंगे, तो सब लोग बच्चे भी भरपूर खा लेंगे और सबको हो भी जाएगा। और ऐसे बाजार से लाते थे तो एक एक स्लाइस और खाने को मिलता है ना, भी बहुत पड़ता है। तो सब चीजें हम लोग ले आए हैं दोस्तों, अभी और दिखाएंगे हम लोग क्या क्या लेके आए हैं। ये थोड़ा सा भून जाए, इसमें हम पत्ता गोभी भी डाल देंगे अपनी कटी हुई। देखो हमने पत्ता गोभी रखी, ये देखिए दोस्तों क्या ही मस्त पत्ता गोभी लग रहा है, बढ़िया देखने में कितना अच्छा लग रहा है, ताजी ताजी है ना। हाँ सब्जी इसको भी डालेंगे अभी। ये देखिए दोस्तों बढ़िया पत्ता गोभी को डाल दिया है उसमें, और इसमें थाल से इसको ढक दिया गया है। क्या ही मस्त कलर लग रहा है देखने में, है ना, बढ़िया लग रहा है, प्यारा प्यारा सा। और ये देखिए दोस्तों बढ़िया आज मौसम अच्छा है, मस्त ठंड होने लगी है, ठंडक बहुत ज़्यादा होने लगी है अब सुबह शाम की, शाम की ठंड ज़्यादा होने लगी है। देखिए देखिए चंद्रमा कितना अच्छा निकला हुआ है, अब तो मौसम बिल्कुल ठंडा ठंडा हो गया है, मज़ा आता है। अब गुलाबी ठंड पड़ने लगी है दोस्तों, ये देखिए चंदा मामा भी देख रहे हैं हमको। ये देखिए दोस्तों हमारी डॉल जो है बढ़िया, देखिए टैडी को कैसे सुला रही है, सुला दो बेटा, सुला दो सुला दो, ये सुला रही है, देखो कितना अच्छा लग रहा है सुलाने में, कितना मजा आ रहा है उसको, अपने गुड्डे को सुला रही है, सुला दो सुला दो, हाँ सुला दो, ओ जल्दी जल्दी देखो। ये देखिए दोस्तों बढ़िया उसको निकाल लिया है, थाली अलग कर दिया है ना, और उसको बढ़िया चला लेते हैं अच्छे से। और अब बारी आ गई है नमक डालने की, चलिए नमक डाल देते हैं बढ़िया स्वाद अनुसार। वाह तो देखिए दोस्तों क्या ही मस्त तरीके से बढ़िया सारा जी डाल रही है इसमें मैगी मसाला। ये दोस्तों हमारा बढ़िया ओवन निकल आया है बेहतरीन तरीके से निकाल के, थोड़ा गंदा है इसको पोंछ दो थोड़ा सा कपड़े से, बढ़िया देखिए भाभी ने निकाल दिया है ओवन। ये देखिए कुछ ऐसा ओवन है हमारा, इसमें मस्त देखिए पिज्ज़ा डालेंगे बेहतरीन, डाल के बेहतरीन इसको पकाएंगे, एक ही वाला है, एक बार में एक ही पिज्ज़ा बनेगा ना इसमें, एक बार में एक ही पिज्ज़ा बन जाएगा दोस्तों। देखिए अंदर से कितना प्यारा लग रहा है। देखिए दोस्तों बढ़िया सब्जी हमारी जो हमने पत्ता गोभी गाजर शिमला मिर्च मिलाया था इसमें, तो ये हमारी पूरी कम्प्लीट हो गई है। अब ताराजी ने बेहतरीन देखिए ये जो ये पिज्ज़ा वाला ब्रेड है इसमें क्या लगा दिया आपने, ये इसमें तेल लगा, चमक रहा है, थोड़ा सा तेल लगा दिया इसमें। अच्छा इसमें तेल लगा दिया है कि छिपके ना। और इसके बाद अब क्या करेंगे इसमें, अब इसमें हम डालेंगे सॉस। कौन सा सॉस डालेंगे इसमें, पिज्जा सॉस। ये देखिए दोस्तों पिज्जा सॉस है, ये टॉपिंग वाला क्या है ना, ये है ना। हाँ। ये है ना, तो ये वाला सॉस डालेंगे इसमें, तो चलिए देखिए डालते हैं कितना सॉस लगा देते हैं। इसमें खुशबू कितनी अच्छी आ रही है, क्या ही मस्त तरीके से बढ़िया लग रहा है हमारा पिज्जा, आज मजा आ जाएगा खाने में। ये देखिए दोस्तों ये है सेजवान चटनी जो हम लेके आए थे, इसको भी लगाएंगे इसमें, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा ना बढ़िया। हाँ। इससे टेस्ट बहुत प्यारा आएगा जबरदस्त तरीके से, क्या ही मस्त लग रहा है सेजवान चटनी। ये देखिए पूरा अच्छी तरीके से, क्या ही मस्त लग रहा है देखने में, जबरदस्त बिल्कुल पिज्जा आज देसी स्टाइल में बनेगा हमारे यहाँ। जो सब्जी बनाई थी ये भी डालेंगे हम इसमें, सब्जी फैला रहे हैं, सब्जी भी फैला के लगा देंगे इसमें। डोमिनोज वगैरह में जो पिज्जा बनता है वही सेम चीज रहती है, बस है ना, कच्ची सब्जियां डालते हैं वो भी सही है। देखने में कितना बिल्कुल खूबसूरत लग रहा है, बिल्कुल बाजार के जैसा लग रहा है, जैसे हम लोग बिल्कुल डोमिनोज वगैरह में खाते हैं सेम चीज लग रही है ना, खूबसूरत तरीके से कलर भी कितना, सब्जी भर भर के डाल रही है दारा जी, मजा आ जाएगा। हमारा ये पनीर, अब पनीर भी डालेंगे इसमें, किस के डालेंगे, देखिए पनीर भी डालेंगे। बढ़िया बटर भी किस देंगे, बटर भी किस के डालेंगे ना, क्या ही जबरदस्त तरीके से बिल्कुल इसको डाल देंगे, फैला के डाल दीजिए उसको, वाओ क्या ही जबरदस्त लग रहा है देखने में। देख आ गया ना हमारा बटर भी आ गया चीज़ी। अब हम इसको ओवन में डाल देते हैं, और कुछ नहीं डालना इसमें, नहीं और कुछ नहीं, पूरा आ जाएगा ये जब बाहर निकलेगा, उसके बाद हम चिली फ्लेक्स और ये डालेंगे, ऑरिगेनो नहीं आता है वो डालेंगे बस। ये देखिए दोस्तों हमारा पिज्जा बिल्कुल रेडी हो गया, बन के रेडी है,
अब इसको इस वाले ओवन में डाल देंगे गरम 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 में, तो ये 20 मिनट में लगभग पक के रेडी हो जाएगा। चलिए इसको डाल दीजिए बढ़िया इसमें। ओवन गरम है? नहीं वो गरम अभी गरम करेंगे। हाँ, ये देखिए दोस्तों बढ़िया तरीके से आ गया इसमें, ये डाल दिया ओवन में हमने अच्छे से, इसको गरम कर दिए, गरम करेंगे और थोड़ी देर में 15 से 20 मिनट में बन के रेडी हो जाएगा। भाभी ओवन चलाने की एक्सपर्ट है तो भाभी चला रही है। ये देखिए दोस्तों पिज्जा हमारा अंदर बढ़िया चला गया है, पक रहा है धीरे धीरे। अब इसको बढ़िया 15 से 20 मिनट में बना लेंगे, इसको अच्छे से निकाल लेंगे। पिज्जा हमारा बन गया है, इसको गरम गरम, वाह क्या ही मस्त लग रहा देख के। इस तरह देखिए पकड़ने वाला भी है, इसको पकड़ के बढ़िया निकालेंगे। हाँ निकाल लो इसको, पलट के ट्रे में निकाल लेंगे। बेहतरीन, वाह क्या ही मस्त लग रहा है देखने में, जबरदस्त खाने में मजा आ जाएगा आज तो। पिज्जा बिल्कुल एक एक पिज्जा खाएंगे सब लोग आज। तुम कितने पिज्जा खाओगी जल्दी बताओ, कितने खाओगी? छह? कितने खाओगी? उसको फिर पता ही नहीं है। ये देखो ये देसी तरीके से निकालने आई है, चम्मच से सब्जी बना रही है, रोटी बना रही है, वाह। ये देखिए क्या ही मस्त तरीके से बढ़िया निकल आया पिज्जा हमारा। ओह माय गॉड, देखने में कितना गजब लग रहा है यार, मजा आ जाएगा आज तो। लेकिन तारा जी का अफसोस, ये नहीं खा पाएंगी। ये देखिए देसी तरीके से फिर काटने आ गई है। कुछ काटने वाला कटर वटर भी होता है यार कुछ। ये देखिए दोस्तों बेहतरीन हमारा पिज्जा बन के रेडी है। देखिए दोस्तों बढ़िया चिली फ्लेक्स हम ले आए थे इतने सारे, और ये देखिए तारा जी बढ़िया चिली फ्लेक्स डाल रहे हैं, इसमें डाल दीजिए अच्छी तरीके से। वाह क्या ही मस्त लग रहा है चिली फ्लेक्स डाल के, आज मजा आ जाएगा खाने में, है कि नहीं? और क्या मजा आएगा, बिल्कुल मजा आएगा आज, बिल्कुल देसी स्टाइल में, बिल्कुल रेस्टोरेंट फेल हो जाएगा, होटल फेल हो जाएगा जो हम आज डालेंगे। वाह क्या ही मस्त लग रहा है देखने में। कटिंग वटिंग सब हो गई है, अब बस खाने की देरी है दोस्तों। देखिए बढ़िया एक एक पीस हमने काट लिया है, सबको देंगे घर में जितने भी लोग हैं, बच्चे हैं और दिवाली है, मम्मी सबको देंगे, और सबको प्लेट में देखिए हम लोग सर्व कर रहे हैं, लगा रहे हैं। ये देखिए दोस्तों हमारा मस्त पिज्ज़ा देखिए हमने अच्छे तरीके से लगा लिया है, और कितना खूबसूरत लग रहा है देखने में, और खाने में इतना ही ज़्यादा टेस्टी है। और तारा जी ने बनाया है, बहुत अच्छा लग रहा है बना कर, क्योंकि पहली बार हम लोगों ने बनाया है घर में पिज़्ज़ा देसी स्टाइल में। अब देखते हैं खा के इसको कैसा बनता है, मम्मी लोग को देते हैं, सबको पूछते हैं उनसे कैसा बना है। तो चलिए जी ले आइए, सबको देंगे खाने के लिए, तो सबको दे देंगे। चलो सबको पिज्जा दीजिए खाने के लिए। चलो भाभी को दे दिया गया, मम्मी मम्मी को भी दे दिया, मम्मी एक पिज्ज़ा खाएंगी। ये देखिए दोस्तों बढ़िया ये पिज्ज़ा खा रही है दोनों लोग। बताओ टेस्ट, पिल्लू बताओ टेस्ट कैसा बना है? अच्छा है। लड्डू तुम बताओ गरम है? अच्छा है। बोले कहा तो ले। बना कैसा? पहली बार हम लोगों ने बनाया पिज्जा। अब देखिए दोस्तों मम्मी भी खाने जा रही हैं। सब सही है कि नहीं है? अच्छा बना है। अच्छा बना है। ये देखिए दोस्तों पिल्ली, ये हमारी ये डॉल भी खा रही है बढ़िया अच्छी तरीके से। आकर खाओ खाओ खाओ, टेस्ट कैसा? ठीक है, टेस्ट सही है। ये भी खा रही है, ये मजा आ रहा है इसको भी खाने में। देखिए दोस्तों दीपाली भी आ गई बढ़िया खाने के लिए। देखो बता नहीं रही है, पहले निपटाए बड़ी जल्दी जल्दी है। टेस्ट अच्छा। टेस्ट बताओ, झूठ ना बोलना। झूठ क्यों बोलेंगे? एक नंबर, फाइव स्टार होटल से भी अच्छा है ना, मस्त खा भी सकते हैं। अभी बिट्टी एक दो बार और निपटाएगी, अभी तो यहाँ लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। ये वाला भी निकाल लेते हैं पिज्जा। वाह काटो इसको बढ़िया अच्छे तरीके से, आइए
तो दोस्तों ये देखिए हम भी आ गए हैं मतलब अपना पिज्जा का एक स्लाइस लेकर के। अभी एक स्लाइस ही हमारे नसीब में मिला है, अभी और भी मिलेगा और भी बनेगा। तो इसको जल्दी से टेस्ट करते हैं और टेस्ट करके आपको रिव्यू बताते हैं कि हमने पहली बार देसी स्टाइल में पिज्जा बनाया अपने घर पे और कैसा बना हुआ है। तो चलिए जल्दी से देर न करते हुए इसको जल्दी से टेस्ट करके बताते हैं आपको। ये मैंने उठाया, बहुत मुलायम है, बिल्कुल होटल स्टाइल में। अब तो हमेशा घर में बनाएंगे, बाहर से नहीं बनाएंगे। मजा आ गया, बिल्कुल मुलायम हो गया। पास से दिखाओ, बिल्कुल मुलायम हो गया, मजा आ गया। बहुत मस्त दोस्तों बना हुआ है, एक नंबर अल्टीमेट टेस्ट बना हुआ। आप लोग भी ट्राई करिए घर में कैसा बना है वो भी बताइए। सो दोस्तों पिज्ज़ा वगैरह हमने खा लिया है और हमने घर में बहुत ही मस्त पिज्ज़ा बनाया था दोस्तों, देसी तरीके से, मतलब बिल्कुल होटल भी फेल था, इतना गजब का पिज्ज़ा बनाया था, बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट और बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो प्लीज़ एक बताइएगा कमेंट करके, और लाइक अभी तक नहीं किया तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि 70-80% लोग आते हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो देख के चले जाते हैं। तो उनसे हाथ जोड़ के विनती है प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।